हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू होप सो तो आप सब बहुत अच्छे होंगे वेलकम इन माय न्यू वीडियो एंड आप सबके लिए के लिए गुड न्यूज है मैं इंटरमीडिएट के जिस तरीके से मैंने मैराथन वीडियो बनाया था अब ये फास्ट ट्रैक रेगुलर वीडियो है तो इस वीडियो में भी हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड ये थोड़ा डिटेल वीडियो होगा बिकॉज मैंने मैराथन वीडियो में काफ़ी कम क्वेश्चन को डिस्कस किया है एंड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है अच्छे तरीके से यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इंटायर टॉपिक को पर ये वीडियो सीरीज टू आवर्स की हो सकती है इसमें हम एक, 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 एक वीडियो में एक चैप्टर को मैं मुझे वन आवर लगे, टू आवर लगे या थ्री आवर्स लगे लेकिन एक वीडियो में वन चैप्टर में डेफिनेटली कवर करना चाहता हूँ जिससे आपका एक पार्टिकुलर चैप्टर पर कॉन्फिडेंस आ जाए वो थ्री आवर्स इन्वेस्ट करने के बाद तो होप्स हो कि आपको सारी वीडियोज अच्छी लगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को आप प्रेस कर लो जिससे मेरे यूट्यूब पे जो भी नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो आप देख सकते हो हमारा इंटायर सिलेबस थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फोर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स एंड थर्टी मार्क्स

तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहले जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग का उत्पत्ति या इसका स्टार्टिंग फेज किस तरीके से हुआ इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और क्यों ये नेसेसरी आखिर ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप आफ्टर सी एम ए इंटरमीडिएट जब आप इंटर क्वालिफाई करोगे एंड आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं तो ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो फाइव मार्क्स तक का क्वेश्चन को कवर कर सकता है लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप स्किप मत करना यहाँ पे जो स्किप करने वाला टॉपिक होगा मैं खुद ही नहीं आपको ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा अब जैसे फर्स्टली क्या है हिस्ट्री डिफिनीशन स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस टॉपिक में अगर हम सबसे फर्स्ट टॉपिक देखें तो हिस्ट्री बताया गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग की उत्पत्ति किस तरीके से हुई एंड उन सब चीज के बारे में तो ये पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर हमें यहाँ देखें लिमिटेशन क्या था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखो जब कॉस्ट अकाउंटिंग का इनोवेशन हुआ इसकी खोज की गई तो कही कहीं ना कहीं वीकनेस थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले आया था एंड उसके कुछ ड्रॉबैक थे कुछ लिमिटेशन थे उस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया क्या क्या लिमिटेशन थे जब हम डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन डिटेल मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिटेशन प्लेस ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इम्प्रूव कॉस्ट कंसिशियस बिकॉज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हर एक इकोनॉमिक हर एक कंट्री के पास मनी की लिमिटेशन हो गई बिकॉज़ आधा से आधा पैसे कंट्री के एसेट सारे उस वॉर में इन्वॉल्व हो चुके थे और सब कुछ वेस्ट हो चुका था तो हर एक कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेस था इसलिए हर एक कंपनी मनी को इन्वेस्ट करने से पहले उसको खर्च करने से पहले दस बार सोचती थी कि हम किस तरीके से पैसा का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके और उस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का भी जन्म हुआ कुछ अलग से हुए अब जैसे हर एक कंट्रीज के पास वॉर होने के बाद उनके पास जो भी आर्म्स एंड इम्यूनिटीज थे वो सब कुछ खत्म हो चुके थे तो फिर से उन्हें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डेवलप करनी थी अपने फर्दर सिक्योरिटी के लिए तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स uh, को भी इन्वॉल्व किया उन्हें ऑफर दिया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मॉड्यूल पे कि आप कॉस्ट पे एक सर्टेन प्रॉफिट आप हमसे चार्ज करो एंड उसके बेसिस पे आप हमसे प्रोडक्ट को सेल करो जैसे टैंक्स हो गए हेवी आर्टिलरी हो गया बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स जिसके बारे में तो एक कॉस्ट कैसे प्रोडक्ट की डिसाइड होगी तो इस कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए यहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की उत्पत्ति हुई और फिर लोगों ने यहाँ से कॉस्टिंग के सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया अपने अपने कंट्रीज में और वहां से फिर इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताया ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग को जन्म दिया अब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम कहते हैं किसको है देखो तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है इट इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांच है जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके अलावा भी और भी ब्रांच हो सकते हैं ये वेरियस ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो हम डिस्कस करेंगे तो सबसे बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं पी अकाउंट बनाते हैं उसमें खर्चों को डेबिट साइड लिखते हैं एंड इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं और लास्ट में प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक इसी तरीके का अकाउंटिंग है यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे हम पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटबिलिटी को हम चेक करते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डिफाइन अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन ये अकाउंटिंग किस चीज के लिए कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करने के लिए ओके एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर और खर्चों का जैसे अब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें मैटेयल लेबर ऑफविड उसको एनालिसिस करना है हमें एज विल एनेबल कॉस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्सी रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ आज आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे ना हम एजेंशन लेते हैं जैसे हम ऑवरेड की कॉस्ट के लिए ऑवरेड जब आप अभी आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे तो उसमें वेरियस मैथड्स दे रखा है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर आप ऑवरेड को किस तरीके से चार्ज करोगे तो उसमें एक रीजनेबल डिग्री होना चाहिए जिस बेसिस पे हम चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि आप का अगर सैनियो ऐसा हो तो आपको ऐसा करना चाहिए अगर सैनियो ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी आप जान लो कि जब भी आप कोई कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हो तो उसमें एक रिजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए अब सपोज एक छोटा सा दे रहा हूँ आपको अब आप किसी रिक्शा में आप जा रहे हो अब रिक्शा में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन तीन से चार होते हैं ठीक है अब थ्री टू फोर पर्सन हैं एक रिक्शा में अब उस रिक्शे की में जो कॉस्ट चार्ज की जाएगी मान लो रिक्शा वाला फिफ्टी रुपीज चार्ज करता है ठीक है फिफ्टी रुपीज अगर रिक्शा वाला चार्ज कर रहा है तो फिफ्टी रुपीज आप नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया ओके? तो ये वहाँ पे क्या हुआ प्रॉपर मेथड हुआ बिकॉज वहाँ पे फोर पर्सनस की एबिलिटी और चार पर्सन ही बैठ सकते हैं बट आपने यहाँ पे क्या किया पर्सन के बेसिस पे नहीं अपने वेट के बेसिस पे चार्ज किया कि भाई जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा आपने टोटल कॉस्ट फिफ्टी रुपीज और आपने पांच लोगों का वेट कर लिया मान लीजिए पाँच सौ के फाइव लोगों की वेट है ओके okay? एंड फिर आपका पर के की कॉस्ट आ गई एंड फिर आपने उसको फाइव के ऊपर चार्ज कर दिया मान ले किसी की वेट सत्तर के जी होगी किसी की एक सौ तीस के जी किसी की साठ किसी की कुछ इस तरीके से आपने उसके ऊपर चार्ज कर दिया तो ये क्या होगा ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो रिक्शा की जो फेयर चार्ज होती है ट्रेवल ट्रेवल के, के केस में यहाँ पे जो चार्ज होती है पैसेंजर के के केस में पर पैसेंजर चार्ज होती है हाँ बट अब यही मान लो ये इंडस्ट्री क्या होती है हमारी ट्रक होती है और वो गुड्स को डिलीवर कर रहे थे तो गुड्स के केस में कॉस्टिंग कैसे करते हैं वेट के बेसिस पे जिस प्रोडक्ट की वेट जितनी ज्यादा होगी उसके ऊपर कॉस्ट उतना ज्यादा शिफ्ट होगा तो ये इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कि आप जो कॉस्ट चार्ज कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसके लिए आपने जो यूज किया है एजेंस वो सही होना चाहिए अब कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर शॉर्ट देखो ये डिफिनेशन एग्जाम में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि ये तुम सी एम ए कर रहे हो तुम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है ठीक है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हम कहते हैं किससे तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट सॉरी विच बिगेन्स विध जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड इन विदेश डाटा

के मैनेजमेंट पूछ सकते हैं आपने बताया कि सर ये टेबल की कॉस्ट ना हमें फाइव हंड्रेड आ रही है ठीक है फाइव हंड्रेड आ रही है तो मैनेजमेंट तो आपसे पूछेगी नहीं भाई ये फाइव हंड्रेड जो तुमने कॉस्ट निकाला है इसमें हमें ब्रेकअप दिखाओ कि इसमें मेटेरियल कितना लगा है लेबर कितना लगा है ओवरेट का कॉम्पोनेंट कितना है इसके अलावा एससरीज हो सकते हैं कुछ अलग से उसके कॉम्पोनेट कितने हैं तो जिससे क्या होगा मैनेजमेंट को मालूम चलेगा कि कौन सी कॉस्ट मेरी ज़्यादा लग रही है और कौन सी कॉस्ट मेरी कम लग रही है जो कम लग रही हो तो ठीक है लेकिन जहां पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है अब सपोज मान लो लेबर की कॉस्ट है इस फाइव हंड्रेड में थ्री हंड्रेड है तो फिर मैनेजमेंट क्या करेगी इस थ्री हंड्रेड के ऊपर काम करेगी क्या कि हमारी लेबर की कॉस्ट इतनी हाई क्यों आ रही है हम इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब उनके पास कॉस्ट का बाईफर्केशन अवेलेबल होगा इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही नहीं है कि कॉस्ट को कैलकुलेट करना

तो मैं नेक्स्ट ईयर हमें टर्न ओवर डेढ़ सौ करोड़ अचीव करना है तो हम उस अकॉर्डिंग हम हमारी खर्चे कितनी बढ़नी चाहिए इनकम कितनी बढ़नी चाहिए वो सारी चीज़ें का हम बजट बनाते हैं फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं हम बजट बनाने में ठीक है तो सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे अभी बेसिक बेसिक से चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है सबसे पहले अगर इस पूरे सैन्य में आपको कुछ चीज़ें अगर याद रखनी है तो बेसिक डिफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आपको याद रखना है एंड दूसरा कि हम कॉस्ट को क्लासिफाई क्यों करते हैं ये इंपॉर्टेंट है अब कॉस्टिंग क्या होता है कॉस्टिंग इज डिफाइन टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ अर्सेंटेनिंग कॉस्ट अब कॉस्ट अर्सर्टेन करने के वेरियस टेक्निक्स होते हैं जैसे दो टेक्निक है एक तो आ, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक हमारा एब्जॉर्बन अप्रोच होता है और एक हमारा होता है मार्जिनल अप्रोच ठीक है हम आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि हम मार्जिन अप्रोच से किस तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और एब्जॉर्प्शन अप्रोच से हम किस तरीके से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो कॉस्टिंग क्या है एक टेक्निक है जिससे हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को सर्टेन कर सकते हैं अब सपोज मान लो टी वी है मैं यहाँ पे मैं इसको इन पढ़ नहीं रहा इतना ज़्यादा सपोज हमारे पास एक टेलीविजन है अब टेलीविजन में क्या क्या लगा होगा एक हमारा मेटेरियल लगा होगा लेबर लगा होगा एंड एक्सपेंसि लगा होगा एक्सपेंसि के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है जैसे पैकिंग का खर्चा हो गया आपका इसके अलावा आपके ऑबरेड की कॉम्पोनेट भी आ सकती है ठीक है इन्होंने करके नहीं दिखाया ये ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ टेलीविजन आ गई ठीक तो जो हमने कैलकुलेट किया इसी प्रोसेस को हम कॉस्टिंग बोलते हैं जब हम अपने सारे कॉस्ट के एलिमेंट को एग्रीगेट करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेट आ गया हो क्या आता है जिसको हम कॉस्टिंग बोलते हैं किसी प्रोडक्ट के ओके टेक्निक टू सर्टेनिंग द कॉस्ट

एप्लीकेशन मतलब किसी चीज को अप्लाई करना जब आप कॉस्टिंग के एंड कॉस्ट के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं इसको हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं इतना ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंसी मैंने आपको बता दिया हाँ अब ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे फर्स्ट तो मैंने आपको बताया इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू अरसर्टेन अंडर डिफरेंट सिचुएशन अब ये डिफरेंट सिचुएशन क्या होता है ये आपको आने वाले टाइम में मालूम चलेगा डिफरेंट सिचुएशन जैसे मार्जिन और एप जो मैंने आपको अप्रोच बताया था एब्जॉर्बसन अप्रोच हम यूज करते हैं अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हमारे रेगुलर से हम मार्केट में बेच रहे हैं और मार्जिनल अप्रोच कब हम करते हैं जब हमारे पास एडिशनल डिमांड आता है तो हम इसके लिए मार्जिनल अप्रोच को यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ डिफरेंट सिचुएस हो गया डिफरेंट सिचुएस में हम डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स को यूज करके हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं टू डिटर्माइन दिस सेलिंग प्राइज तो कॉस्ट अकाउंटेंट ही कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइज को डिसाइड करते हैं जैसे टेबल की कॉस्ट टेबल की कॉस्ट को आपको डिसाइड करना है जिसको हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं टू डिटरमाइन द कंट्रोल इफेसि बाई सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ दटेरियल लेबर एंड ऑबरेट आप कंट्रोल कैसे करना है अब सपोज मान लो कोई एक प्रोडक्ट आपको बनाना था जिसमें दो के जी ही रो मटेरियल लगाना था और किसी बंदे ने तीन के जी ही रो मेटेर यूज कर लिया तो उसने एक के जी ज़्यादा यूज किया तो आप कैसे पता करोगे तो आपको पहले स्टैंडर्ड फिक्स करना है ना ये दो के जी क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड हो गया आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि भाई ये जो तू टेबल बनाएगा इसमें दो के जी ही मेटल यूज होना चाहिए ठीक है अब उसने एक्चुअल में तीन के जी यूज कर लिया तो आपको पता तो होगा कि उसने एक के जी ज़्यादा यूज किया तो आप उससे रीजन पूछोगे भाई तूने एक के जी ज़्यादा यूज किया आखिर इसके पीछे रीजन क्या था तो हमें रीजन बता ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे मेटेल के लिए लेबर के लिए अब दो घंटे का काम उसने तीन घंटे में किया तो भाई एक घंटे तेरे को ज़्यादा क्यों लग गए ये सारी चीजें हम क्वेश्चन करते हैं मैनेजमेंट करती है इंप्लॉय से प्रोडक्शन मैनेजर से परचेज मैनेजर से परचेज मैनेजर से भी करती है अब उसको सपोज दस रुपए के जी रो मेटेरियल परचेज करके लाना था उसने बारह रुपए के जी करके लिया है तो बारह रुपए क्यों करके लाया जब मैने को बोला था दस रुपए खरीद के लाने के लिए ये सारी चीजें होती है यहाँ पे टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री बचता है जो हम पूरे साल हम गुड्स बनाते हैं आपने सबने क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डाला होगा क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जो या तो डब्ल्यू आई पी में होते हैं या फिनिश गुड्स होते हैं या फिर रॉ मटेरियल के हो सकते हैं जो अभी मार्केट में बिका नहीं रॉ मटेरियल होगा तो हमारे स्टोर में रखा होगा डब्ल्यू आई पी में यानी प्रोसेस में वो भी फिनिश गुड्स बनानी है तो बिका नहीं और कुछ फिनिश गुड्स ऐसे होंगे जो बन तो गए हैं लेकिन मार्केट में भी बिके नहीं है तो हमारे पास स्टॉक में तो ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है कॉस्ट को और करना जो भी हमने पढ़ा था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग बताया या फिर सर्विस स्टैंडर्ड अब जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या करती है सर्विस देती है पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है तो भाई एक पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की कॉस्ट क्या है अब आप दिल्ली मेट्रो में आप देखते हो अगर आपने लक्ष्मी नगर से कनाडा प्लेस गए तो उसकी फिर कुछ अलग लगती है उससे अगर दूसरे डिस्टेंस में गए उससे उसकी फिर कुछ अलग लगती है तो ऐसा क्यों होता है तो उन्होंने वेरियस मेथड्स को डिसाइड कर रखे हैं कॉस्ट को कैलकुलेट कर रखे हैं वहाँ पे जो कॉस्ट होता है पर पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है सॉरी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है और जिसके बेसिस पे चार्ज कर लिया जाता है मैं आप लोगों को कॉस्ट और सर्टेन के बारे में मैं आपको बता रहा था अब कॉस्ट अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है अभी कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया जो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्स एक्चुअल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो गया कॉस्ट रिपोर्ट अल्टीमेट कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिपोर्ट भी होता है दी अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दिज रिपोर्ट आर प्राइमली प्रिपेयर फॉर यूज बाय द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल्स मैनेजमेंट जानना चाहती है कि हमारे खर्चे किस तरीके से हो रहे हैं कहाँ कहाँ खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं और हम उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है कॉस्ट ऑडिट करता है एंड कॉस्ट ऑडिट करके कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है वो रिपोर्ट मैनेजमेंट को देता है जिसमें वेरियस ऑब्जर्वेशन बेसिस ऑफ डैट कंपनीज फर्दर डिसीजन करती हैं हम आगे किस तरीके से इन सारे कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं तो ये है हमारा कॉस्ट रिपोर्ट हो गया अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ये आप बाय सेल्फ कर सकते हो ऐसे में फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बिकॉज तो अभी सब ऐसे मेरी फाउंडेशन वाली वीडियोज का मैं लिंक आपको रेफर कर दूंगा जिसमें मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से बता रखा है एंड ये सारे डिफिनेशन्स वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में कवर कर रखा है तो वहाँ पे आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखना दस से पंद्रह मिनट की वीडियो है उसमें आपको लिमिटेशन इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट इनकी मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप डेफिनेटली इसको वॉच करना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है और इन डिटेल रिकॉर्ड किए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए सेम चीज़ इंटर में है तो ऐसा नहीं कि इंटर में आ गया तो आप फाउंडेशन का नहीं पढ़ सकते हो फाउंडेशन का भी पढ़ सकते हो स्टडी मैट सेम है कुछ पॉइंट्स पे ठीक है अब हम बात करते हैं कॉस्ट व्हाट डू मीन बाय ये कॉस्ट कॉस्ट क्या होता है कॉस्ट इज मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडिंग ऑफ सर्विस अब आपने जो कॉस्ट को कैलकुलेट किया था जैसे मेटेरियल किसी प्रोडक्ट में दस रुपये की लगी लेबर बीस रुपया अदर एक्सपेंसेस थर्टी रुपीज हुआ तो ये सिक्सटी इसकी कॉस्ट आई तो आपने क्या किया इनको मॉनिटरी टर्म में कैलकुलेट किया बिकॉज मॉनिटरी टर्म में आप कैलकुलेट करोगे तभी तो आप इसकी सेलिंग प्राइस भी आप डिसाइड करोगे बायर से उतनी प्राइस आप चार्ज कर सकते हो तो इस कॉस्ट क्या है हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं मेजरमेंट का मतलब मापना किस चीज़ को हम मेजरमेंट करते हैं जो भी हमने रिसोर्सेज यूज किए यानी मेटेरियल क्या हो गया हमारे लिए रिसोर्सेज हो गया लेबर हमारे लिए रिसोर्सेज हो गया जो भी हमने रिसोर्सेज यूज किया है प्रोवाइडिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स या रेंडिंग ऑफ सर्विस सर्विस देने के लिए उसको मोनिटरी टर्म ने हमें अपलोट किया जिसको हम क्या बोलते हैं कॉस्ट ओके कॉस्ट इन सिंपल वर्ड्स पे हम बोल सकते हैं एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेज टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेज बोल दो या एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेज बोल सकते हो कॉस्ट इज ऑल्सो डिफाइन एट दी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड अब देखो नोशनल क्या होता है नोशनल क्या होता है कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एक्चुअल में होते नहीं लेकिन हम प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं कैसे जैसे मान लो मेरी खुद की बिल्डिंग है अब खुद की बिल्डिंग है तो इसका रेंट तो मैं खुद से खुद पे लूंगा नहीं लेकिन मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसका मैंने नोशनल रेंट किया अगर मैं इस बिल्डिंग को रेंट पे देता तो मुझे दस हजार रुपये एक महीने के मिलते हैं तो इसको मैंने अपने बिजनेस में यूज किया तो मेरा दस हजार रुपये उससे तो मेरी कॉस्ट कम हो गई तो इसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम चार्ज करेंगे ये सारी चीजें ठीक अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का होते हैं एलिमेंट्स के हिंदी में बोलते हैं तत्व यानी एक प्रोडक्ट के कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं अब जैसे ह्यूमन बॉडी है ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्स क्या है ह्यूमन बॉडी के फाइव एलिमेंट्स है जल वायु आकाश पता नहीं क्या क्या वो सारी चीजें सेम उसी तरीके से कॉस्ट के भी तीन एलिमेंट है तीन ही एलिमेंट पे कॉस्ट का है एक तो आपका मेटेरियल का खर्चा होता है एक लेबर का और एक एक्सपेंसिज अगर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसिज को ऐड कर सॉरी ऐड करते दे तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट हो गया और इनडायरेक्ट खर्चे को अगर हम ऐड करते हैं तो ऑवरेट हुआ हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट का मतलब क्या होता है ऐसे खर्चे जो इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर में प्रोडक्ट पे ट्रेस किया जा सकता है ठीक है डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अब आपने एक टेबल बनाया आपने एक टेबल बनाया, तो टेबल के ऊपर मेन कॉस्ट क्या होगी आपकी ये टेबल है इस टेबल का मेटेरियल क्या हो सकता है अब इस टेबल की मेटेरियल क्या हो सकती है अगर ये मेटल की टेबल है तो ये आयरन का बना होगा अगर ये लकड़ी की टेबल है तो इसमें उड लगा होगा अब उड या तो किस चीज का हो सकता है सीसम का हो सकता है सागवान हो सकता है टीक उड हो सकता है ऑक हो सकता है या कोई और वुड भी हो सकता है तो हमारा क्या है जो हम प्रोडक्ट को देखते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप टेबल देखोगे तो आप देख के बता सकते हो कि टेबल मेटल की है या फिर लकड़ी की है डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट जिसको आप प्रोडक्ट देखते हैं पहचान लिए ओके okay? अब डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है all raw material like jute in manufacture of gunny bags pig iron in foundry and fruits in canning industry material especially purchased for a specific job process or order like glue देखो ये आपको याद नहीं करना है ठीक है और आपको डायरेक्ट मटेरियल का भी डेफिनेशन याद नहीं करना है अगर आप करना चाहते हो तो आप इतना आप कर सकते हो कि आप इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर में आप इसको ट्रेस कर सकते हैं मटेरियल डायरेक्टली इंटेंड टू प्रोडक्ट एंड फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट यहां तक की चीजें आप एक दो बार आप जरूर रीड आउट कर लेना ठीक है और इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अब बात करते हैं इंडायरेक्ट मेटल तो क्या है जैसे हम इस टेबल को देख रहे थे इस टेबल में क्या होगा फेवी कॉल भी यूज हुआ होगा मेरे फोटो को सीने से यार वो वाली फेविकॉल ठीक है इसमें फेविकॉल भी यूज किया गया होगा तो फेविकॉल को आप देख के आप ट्रेस नहीं कर सकते कि एक टेबल में हंड्रेड ग्रामीकॉल्स यूज हुए हैं टू हंड्रेड ग्राम्स फेबिकल यूज हुए कितनी क्वान्टिटी यूज हुई है तो इसको हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल जिस प्रोडक्ट को देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो इसके अलावा इसमें छोटे छोटे कील्स स्क्रूज भी यूज होंगे उसको भी आप प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो ठीक है कि कितने सारे स्क्रूज लगे होंगे अंदर में तो ये सारी चीजें क्या है इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट है जिसको आप प्रोडक्ट को देखते ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिए गए उसको भी हम देखते हैं स्टोर्स यूज इन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी बिल्डिंग अब स्टोर्स डिपार्टमेंट है स्टोर डिपार्टमेंट में काफी सारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं काफी सारे मेटेरियल्स रखे होते हैं तो स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा क्या हो गया हमारे इंडायरेक्ट हो गया लुब्रिकेंट ये लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं कॉटन वेस्ट कॉटन वेस्ट क्या होता है हमारे प्रोडक्ट में ना कभी कभी यूज होता है उसके साफ सफाई करने के लिए ब्रिक्स एंड सीमेंट्स

डायरेक्ट लेबर या इम्प्लॉ कॉस्ट जैसे अब इस टेबल को किसने बनाया होगा इस टेबल को कारपेंटर ने बनाया होगा ये हमारा टेबल किसने बनाया होगा कारपेंटर ने ये कारपेंटर क्या हो गया हमारे लिए ये कारपेंटर हमारे लिए हो गया डायरेक्ट लेबर हाँ अब इस कारपेंटर के लिए हमने एक हेल्पर रख दिया होगा अब ये हेल्पर क्या हो तो गया अब इस हेल्पर के सर्विस इसे भी दे रहा है हेल्पर किसी और को भी दे रहा होगा एक और कारपेंटर होगा वो भी टेबल बना रहा होगा ठीक है बिकॉज एक कारपेंटर के ऊपर एक हेल्पर तो हम नहीं रखेंगे एक हेल्पर दो चार कारपेंटर को सर्विस दे रहा होगा तो अब ये जो कारपेंटर है इसकी कॉस्ट तो हमारे लिए क्या होगी डायरेक्ट लेबर बट ये जो हेल्पर हुआ ये जो सबको जा जाकर सर्विस दे रहा है इसकी कॉस्ट क्या होगी हमारे लिए इनडायरेक्ट लेबर जिसको हम प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ठीक है।, है ये हमारे लिए इनडायरेक्ट लेबर हो गया अब डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस क्या होता है देखो अब हम टेबल बना रहे हैं हमने टेबल पे लोगो लगाया नील कमल का नीलकमल एक ब्रांड है ठीक है मैंने स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है नीलकमल एक ब्रांड है अब नीलकमल गोदरेज की, की भी आप ब्रांडिंग कर रहे हो तो आपसे क्या चार्ज करता है रॉयल्टी आप ये रॉयल्टी चार्ज करता है आपसे तो रॉयल्टी जो आप पे कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसिस बन चुका है आपके लिए ठीक है इसके अलावा भी और खर्चे हो सकते हैं जैसे 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 आर्किटेक्चर एंड सुपरवाइजर की फीस अब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग के लिए आपने आर्किटेक्चर को बुलाया उसकी लेआउट करवा रहा है इसके प्रिंट ब्लू प्रिंट बना रहे हैं उसकी खर्च हो सकती है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्ट वर्क अब कंपनी में भाई प्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलत प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे डिफेक्टिव निकलेंगे तो उसको रेक्टिफाई करने का खर्च आपका डायरेक्ट हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसिज आपका डायरेक्ट एक्सपेंसिज हो चुका है ठीक है इस तरीके से आपको जस्ट एक बार रीड आउट करनी है रेट मैंने आपको बताया ऑवर हेड हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट मेटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो डेट इज कॉल्ड योर ओवरहेड एक्सपेंसेस आखिर हमने इसको ओवर हेड क्यों बोला ऑवर्ड बोलने के पीछे इसके पीछे ये चीजें कि प्रोडक्ट को देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितना इनडायरेक्ट मटेरियल लगा है या फिर कितना इनडायरेक्ट लेवल लगा है या फिर कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव लगा है तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सैनैरियो कुछ प्रोविजंस हैं जो हम आने वाले टाइम में ऑवर्ड के चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ हम एजें्शन्स लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ एजें्पन्स हम प्रोडक्ट के ऊपर ये अमाउंट चार्ज करते हैं ये जो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर हम चार्ज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ठीक ओवरेड कम्प्राइज ऑफ इंड मटेरियल इंडा इंड एक्सपेंसिजर आइडेंटिफाइबल देखो नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और एलोकेबल टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली इसको प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे हेल्पर अब हेल्पर ने दो चार टेबल बनाने में सर्विस दिया तो एक हेल्पर की कॉस्ट हम पूरे एक टेबल पे तो नहीं डाल सकते उसकी कॉस्ट तो चार टेबल पे डालनी पड़ेगी तो हम एक बेसिस लेंगे उस बेसिस पे उस हेल्पर की कॉस्ट इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेट इज कॉल्ड ओवरहेड अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट होता है और ये 50% टू 80% किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में कवर करता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है एक तो हमारा कॉस्ट यूनिट होता है फिर हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एंड फिर हमारा कॉस्ट सेंटर होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं एंड कॉस्ट सेंटर भी वही होता है बट कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हम नैरो पर यूज करते हैं एंड कॉस्ट सेंटर सॉरी कॉस्ट सेंटर हम बाइडर लेवल पे यूज करते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम नैरो करते हैं एंड कॉस्ट यूनिट क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जिसमें उसको हम कॉस्ट यूनिट बोलते हैं लोएस्ट लेवल पे जैसे अब आप पैसेंजर की कॉस्ट एक पैसेंजर की कॉस्ट क्या करोगे पर पैसेंजर पर किलोमीटर अब कैलकुलेट करोगे अगर स्कूल है तो स्कूल कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करता है पर स्टूडेंट के बेसिस पे कॉस्ट को कैलकुलेट करता है हॉस्पिटल पर पेशेंट पर डे के बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट करता है डेट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट ठीक है कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं टेक्निकल नेम है किसी भी प्रोडक्ट की किसी सर्विस की आने वाले टाइम में हम सब चीज को देखेंगे और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा उनको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं कॉस्ट सेंटर्स ए लोकेशन पर्सन और आइटम अब जैसे मान लो एक हमारे यहाँ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है अब एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे यहाँ पे प्रिंटिंग का मशीन लगा होगा इसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी की एक्सपेंसिज हो रहे होगी और भी कुछ कुछ खर्चे हो रहे होंगे तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं सारे कॉस्ट हमें अगर हमें पता करना है कि इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें कितना कॉस्ट लगा तो इसको हम क्या बनेंगे कॉस्ट सेंटर बनाएंगे और इससे होने वाले सारे खर्चे इसमें डालते चले जाएंगे और एट द एंड हम चेक कर लेंगे कि एक डिपार्टमेंट के लिए हमें कितने खर्च करना पड़ रहा है सेम ऐसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट इन सब के लिए भी हम कर सकते हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सबके लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं अब देखो दो टाइप के कॉस्ट सेंटर होते हैं एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या होता है जो प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है आप क्या प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर अब जैसे टेबल टेबल को जो कारपेंटर बना रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का पार्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के अंदर रहेगा लेकिन अब इस कारपेंटर को रॉ मटेरियल कौन दे रहा है स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट क्या हो गया सर्विस कॉस्ट सेंटर वो फिनिश गुड्स को नहीं बना रहा बट वो फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प प्रोवाइड कर रहा है डेट इज कॉल्ड सर्विस कॉस्ट सेंटर

अब फैक्ट्री मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व आउट करे ठीक है तो ये क्या हो गया ये फैक्ट्री मैनेजर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज से ए कॉस्ट अकाउंटिंग डिनोट्स ए सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस फॉर द एक्टिविटीज ऑफ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ए स्पेसिफिक पर्सन फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिल हो गया किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए ठीक है इस तरीके से करके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करते हैं प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आपसे ऐसे पूछी नहीं जाएगी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कॉस्ट कॉस्ट सेंटर सेंटर प्रॉफिट जो मैंने आपको बता दिया देखो कॉस्ट सेंटर सेंटर और प्रॉफिट में बस एक ही डिफरेंस है कि प्रॉफिट सेंटर में रेवेन्यू को भी कंसिडर किया जाता है एंड कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है जबकि कॉस्ट सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है रेवेन्यू को कंसिडर नहीं किया जाता बाकी सब कुछ सेम है कॉस्ट रेट मैंने आपको पहले बता दिया देख सकते हो आप ऑटोमोबाइल नंबर व्हीकल्स केबल्स इन्होंने दे रखा है cost के बारे में अब बात करते हैं कॉस्ट एलोकेशन कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था वो हेल्पर वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था याद है आपको और कारपेंटर अब सपोज मेरी कंपनी काफी बड़ी है ठीक है मैं हर एक कारपेंटर को एक हेल्पर देता हूँ तो ये हेल्पर की जो कॉस्ट है मान लो इसको मैं 500 रुपीज एक दिन का पे कर रहा हूँ तो ये हेल्पर की कॉस्ट क्या हो गई डायरेक्टली इससे रिलेटेड हो गई तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली चार्ज कर देंगे इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी मैं लेता हूँ सपोज हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ठीक है मैंने हर एक डिपार्टमेंट के बाहर एक एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा दिया तो इससे क्या हो गया अब ये इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस जो भी आ रही होगी वो किससे रिलेटेड होगी ये पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी तो हम क्या करेंगे इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट डायरेक्ट चार्ज कर देंगे इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन अब कॉस्ट एलोकेशन के बाद में कॉस्ट एब्जॉर्प्शन सॉरी कॉस्ट अपोर्समेंट के बारे में बात करता हूँ अब सपोज ये हमारे तीन डिपार्टमेंट है बट इन तीन डिपार्टमेंट के लिए एक ही कॉमन मीटर लगा दिया अब यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी इसको जा रही है यहाँ से इसको जा रही है यहाँ इस चीज जा रही है तो इस केस में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सा डिपार्टमेंट ने कितना कंज्यूम किया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं नंबर्स ऑफ लाइट पॉइंट्स या नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे हम कॉस्ट को चार्ज कर देते हैं डिपार्टमेंट वाइज ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉस्ट अप्र सेम हेल्पर के केस में भी अब सॉरी अब ये हमारा कारपेंटर था ठीक है तीन चार हमारे कारपेंटर्स हैं लेकिन हमने हेल्पर एक ही रख रखा है तो अब ये इसको भी सर्विस दे रहा है इसको भी सर्विस दे रहा है इसको भी सर्विस दे रहा है ठीक है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कॉस्ट 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 को हमें करना पड़ेगा इज कॉल्ड क्या होता है जब आप आने वाले टाइम में आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कॉस्ट एब्जॉर्ब्जॉर्पन का मतलब सोखना किसी चीज को समाहित कर लेना अपने अंदर एबजॉर्ब कर लेना जैसे जब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो ना तो आपने क्या किया डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसिव ये तो तीनों आप प्रोडक्ट पे आपने सीधे चार्ज कर दिया बिकॉज ये आप प्रोडक्ट देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें कितना डायरेक्ट मटेरियल जो है कितना डायरेक्ट लेबर और कितना ही डायरेक्ट एक्सपेंसिज बट जो आपका ओवरहेड का पार्ट है उसको आप प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते तो इसके लिए हम एक बेसिस लेते हैं कि ऑवरेट किसके बेसिस चार्ज करेंगे हो सकता है आप डायरेक्ट लेबर के बेसिस चार्ज कर या हो सकता है आप आवर के बेसिस चार्ज कर सकते हो ठीक है तो इन सब बेसिस पे हम प्रोडक्ट ऊपर ऑवरेट के अमाउंट को चार्ज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्ट ओवरहेड के चैप्टर में काफी डिटेल्स में आप पढ़ोगे तो टेंशन मत लो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं जब ऑवर के चैप्टर पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से आप समझ जाओगे कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है कन्वर्जन कॉस्ट जो हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं इसकी कॉस्ट को हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं अब एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में क्या क्या कॉस्ट लगता है लेबर की कॉस्ट लग सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसिज लग सकते हैं एंड हमारी ऑवरिड की कॉस्ट लग सकती है इन तीनों की कॉस्ट को हम अगर ऐड करते दे तो ये हमारा क्या हो गया कन्वर्जन कॉस्ट

तीन के जी आपने रो मेटेर नहीं यूज किया यानी आपने अपनी कॉस्ट को क्या कर लिया सेव कर लिया ठीक है या फिर आपने दो के जी रो मटील लगाना था आपने एक के जी रो मटील लगाना तो आपने एक के जी यहाँ भी रो मटेरियल सेव कर लिया इससे क्या हो गया आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी अब सपोज मान लो एक मार्केट में पेन आ रहा है ठीक है बीस रुपए का और बगल में सेम पेन अगर पंद्रह रुपए का आ रहा है तो लोग किसे खरीदेंगे पंद्रह रुपए वाले पेन को खरीदेंगे तो आपका क्या होगा एक तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा दूसरा कस्टमर आपके पास ज्यादा आएंगे अचीविंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड बाई मैक्सिमाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉफिट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज रीजनेबल प्राइज ऑफ फॉर द कस्टमर आपने पंद्रह रुपये डाला तो कस्टमर के पास प्राइस भी कम है और हमारे पास मार्केट ज्यादा उपाय हो होगा तो हमारी प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ जाएगी कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज अब हमारे पास प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी तो ज्यादा आएंगे तो हमारे यहाँ इंप्लायिलिटी बढ़ जाएगी जहाँ हमें पहले दो लेवल चाहिए था हमें चार लेवल लगाएंगे हम ठीक है इकोनॉमिक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थनेस ये सारी चीजें कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट अब मैं आपको बताऊँ ये टॉपिक जो है हमारा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कॉस्ट कंट्रोल प्लीज आप उसको पक्का देख लेना डिस्क्रिप्शन में से लिंक ओके कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के बारे में अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में तो कॉस्ट को ना वेरियस बेसिस पे क्लासिफाई किया है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के बेसिस पे रीजन ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी ट्रेसुलटी के बेसिस पे फंक्शन बिहेवियर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोडक्शन प्रोसेस टाइम पीरियड इन सब के बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया अलग अलग से ये नॉलेज पर्पज़ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट को किस तरीके से वेरियस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है हम वन बाई वन हम देखते हैं बहुत ईजी टॉपिक है आपको समझ में आते रहेगा अगर आपको मेटेरियल लेबर ओवररेट आपको सही से समझ में आए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लासिफिकेशन बाई नेचर ऑफ एक्सपेंसिज नेचर ऑफ एक्सपेंसिज के बेसिस पे हमने पढ़ा था अभी एलिमेंट कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं तो मेटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसिज वहाँ वहाँ भी एक्सपेंसिज था यहाँ भी एक्सपेंसिव है ठीक है मेटेरियल लेबर एंड अब मेटेरियल कॉस्ट क्या होता है आप सबको पता है मेटेरियल कॉस्ट क्या होती है मैंने बता रखा है

वो फाइल यूज करेंगे पेपर्स यूज करेंगे तो पेपर तो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कौन से डिपार्टमेंट कितना यूज कर रही है ठीक है इसके अलावा पेन से यूज कर करेंगे ये भी हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये सारे खर्चे डायरेक्ट हो गए इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनडायरेक्ट क्या हो गया इनडायरेक्ट मेटीरियल क्या हो गया इनडायरेक्ट मेटेरियल कुछ ऐसे मेटर हो सकते हैं जो ये डिपार्टमेंट अकेले कंज्यूम नहीं कर रही हो और वो फाउंड आउट भी नहीं हो सकता जैसे वाटर अब वाटर का क्या होता है वो तो बीच में एक वाटर वाली मशीन रखी होती है दो तीन डिपार्टमेंट के बीच में अब इसमें एक बोतल पानी डाल दिया गया फिफ्टी रुपीज का तो इससे तो ये डिपार्टमेंट भी कंज्यूम कर रही है दूसरी वाली भी कर रही है तीसरी वाली भी कर रही है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इनडायरेक्ट मेटेरियल लेबर लेबर क्या हो सकता है अभी पानी जो दे रहे हैं चाय देने वाला एक बंदा होगा वो तो सारे डिपार्टमेंट में जा जाकर चाय पहुंचाता है इनडायरेक्ट लेबर हो गया ठीक है इस तरीके से एक्सपेंसेस क्या होगा हमारे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारी एक ही लगी हुई है तीन डिपार्टमेंट के ऊपर ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया आई बात समझ में तो ये सारी चीजें जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन फंक्शंस के बेसिस पे भी कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है ये आपको कॉस्ट शीट के चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो देखो कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं कॉस्ट शीट क्या होता है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम अब जो आप पता करने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है कि हमारे फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या आ रही है और उसमें हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं यानी हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है किसी प्रोडक्ट की तो हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा तो हमारे पास क्या होता है वेजेस डिपार्टमेंट होते हैं एक तो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया हमारा ठीक दूसरा हमारा एडमिन का डिपार्टमेंट होता है तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे प्रोडक्ट्स अब प्रोडक्शन ने तो प्रोडक्ट को बना दिया अभी एडमिन का काम क्या है इसको बनाने में जितना हेल्प हो सकता है वो एडमिन डिपार्टमेंट करता है जैसे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया लॉजिस्टिक इज ए पार्ट ऑफ बोथ प्रोडक्शन का भी पार्ट बन सकता है एंड ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी पार्ट बन सकता है बट हम यहाँ पे लॉजिस्टिक को सेपरेट रखते हैं तो लॉजिस्टिक को हम यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं डालेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे मार्केटिंग वाले को डालेंगे ठीक है इसके अलावा हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी डिपार्टमेंट होती है जो हमारे प्रोडक्ट के न्यू ए, जैसे तो मार्केट में इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं आई फोन इलेवन आया आई फोन ट्वेल्व आया फिर नेक्स्ट आई फोन के ऊपर रिसर्च किया जा रहा होगा कि आई फोन थर्टीन में किस तरीके के फीचर्स लेके आए हर एक कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट्स में न्यू न्यू डेवलपमेंट्स करती है न्यू न्यू वेरियंट्स लेके आती है तो इसमें रिसर्च करती है तो रिसर्च का एक्सपेंसिज आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है तो इन बेसिस पे भी हमने डिपार्टमेंट्स वाइज कॉस्ट को बांट रखा है

यानी ये आपकी फैक्ट्री है इस फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल लेबर सुपरवाइजर भी हो सकता है फैक्ट्री मैनेजर भी हो सकता है ठीक है इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें हो सकती है मशीनरी यहाँ पे रखे होंगे उसके डेप्रिसिएशन हो सकते हैं ठीक है, है यानी एक फैक्ट्री के अंदर जो भी चीजें रखी होगी उन सबके कॉस्ट को आप ऐड कर दोगे जो आपका प्रोडक्शन की कॉस्ट बन जाएगी ठीक नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिन डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट के कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है एक्सपेंसिज इनकर्ड फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दिज आर इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट देखो जनरल मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट का काम क्या का है कि भाई कहीं अगर लाइट खराब हो गया तो भाई यार लाइट ठीक कर दे यार काम दिक्कत हो रहा है पावर कट हो गया तो इनका काम होता है ठीक करना ठीक है ये सारे काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है फैक्ट्री का कोई दीवार टूट गई या फिर दीवार में सिकेज हो रहा है उन सबको ठीक करना इनका काम होता है एडमिन का काम होता है तो ये सारी चीज़ एडमिन डिपार्टमेंट करती है फार्मोलेसन ऑफ पॉलिसी हर एक डिपार्टमेंट का, का, का काम का डिस्ट्रीब्यूट करना उसकी पॉलिसी बनाना एडमिन के अंदर काम आता है डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सबको करना कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन विल नॉट इंक्लूड कंट्रोल एक्टिविटीज इनका काम करवाना है इनको कंट्रोल करना इनके बस की नहीं है ठीक है कंट्रोल ये नहीं करते हैं therefore administrative cost is the cost of administrative function that is cost of formulating policy directing organizing and controlling the operation of undertaking okay ye sare cost ko aap dekh lena naam just aapko ek bar read karna hai jab hum cost sheet padhenge तो इसको in details से हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो सेलिंग क्या होता है अब हमने प्रोडक्ट तो बना दिया ठीक है अब हमने प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन उसको सेल्स करने के लिए एजेंट तो रखने पड़ेंगे ये बंदा क्या करेगा जाके बायर्स के साथ मीटिंग करेगा ये हमारे बायर्स के साथ मीटिंग करेगा ठीक है ये दोनों मीटिंग करेंगे फिर हमारे पास ऑर्डर आएगा फिर हम प्रोडक्ट को यहाँ से डिस्पैच करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया सेलिंग डिपार्टमेंट्स होता है हम आफ्टर सेल सर्विस दे रहे होंगे हमारे पास कॉन्टेक्ट अस वाले हमारे पास कॉल सेंटर्स भी होंगे ना कि भाई कोई अब जैसे फ्लिपकार्ट है आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फ्लिपकार्ट आप कॉल करते हो ना कि सर हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें यह प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें होती है सब कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनता है सेलिज एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैन एंड सेल्स मैनेजर ऑफ एडवर्टीजमेंट इंश्योरेंस रेंट रेट डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ सेल्स ऑफिस बेयर हाउस अब हम गुड्स जो हमने फिनिश गुड्स बनाया होगा तो उसको तो हमने वेयर हाउस में रखा होगा ना जिससे उसके वेयर एंड टीयर ना हो मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वन अब गुड्स जब यहाँ से हम डिस्पैच करते हैं कैसो डी पे ठीक है कैश ऑन डिलीवरी तो हम प्रोडक्ट को बाहर के प्रमाइस पे जाकर डिलीवर कर रहे हैं तो इन डेट के समय डिलीवरी बैन अपने पास रखना पड़ता है वो सारी खर्चा अब आर एन डी की कॉस्ट क्या होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर द कॉस्ट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द पर्जेंट प्रोडक्ट अब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी में इशू हो सकता है या फिर ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसको मैन्युफैक्चर करने में हमें प्रॉब्लम आ रहा हो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा होगा तो इससे क्या होगा इससे वो पता कर सकते हैं ठीक है इससे वो मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम्स है उसको हम किस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम इजी टू मैन्युफैक्चर एंड ईडी टू सेल उसको हम कर सकते हैं हमारे बिकॉज तो अगर आपको मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए फर्स्ट थिंग्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चल सके जितना ज़्यादा उसकी यूजफुल लाइफ होगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और तभी कंपनी उस प्रोडक्ट को बेच सकती है बिकॉज कोई एक बार क्या देखता है तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देखता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट थिंग सेकेंड लुक वाइज अच्छा होना चाहिए यानी उसकी जो uh, फिनिश होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो अच्छी होनी चाहिए ठीक है अब इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर प्रोडक्ट बना दिया जाए तो फिर मैन्युफैक्चर करने में टाइम कंज्यूम होगा टाइम कंज्यूमिंग अगर ज़्यादा हुआ तो जहाँ हम पंद्रह प्रोडक्ट बना सकते थे वो हम दस ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यानी अननेसेसरी इस पंद्रह प्रोडक्ट की कॉस्ट इस दस प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो रही है अब एक दिन अगर हम पाँच सौ पे पे कर रहे थे किसी लेबर को तो पाँच में पहले पंद्रह यूनिट बना सकता था लेकिन हमारी इस तरीके से डिजाइन है कि वो दस ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो भाई दस प्रोडक्ट में कॉस्ट शिफ्ट हो गया ना हमारी कॉस्ट बढ़ गई ये सारी चीजें देखी जाती है ठीक है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट जब हम न्यू फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग कॉस्ट है तो ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब फिक्स कॉस्ट सेमी वेबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्या होता है हमारा रेंट रेंट हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया का खर्चा लेबर डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है सेमी वेरिएबल क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस हो गया टेलीफोन का एक्सपेंसेस हो गया ये सारे खर्चे सेमी वेरिएबल है सेमी वेरिएबल का मतलब जो खर्चे एक सर्टेन लेवल पे फिक्स होते हैं फिर वेरी करते हैं फिर फिक्स फिर वेरी फिर फिक्स वेरी इस तरीके से चलता है मतलब इसके अंदर फिक्स वाले भी लक्षण होते हैं और वेरिएबल वाले भी लक्षण होते हैं ये क्या होता है इसका ग्राफ आपने देखा होगा सिर्फ ऐसे चलता है और ये खर्च ऐसे चलता है यानी आप क्वांटिटी बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ेगी क्वांटिटी कम करोगे कॉस्ट कम होते जाएगी इसमें क्या है आप क्वांटिटी कितना भी बढ़ा लो कॉस्ट आपका हमेशा सेम रहेगा ठीक है ये आपको समझ में आ गई होगी अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग ये कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं जब हमें मार्केट में न्यू ऑर्डर्स लेने हैं या फिर हमें मार्केट शेयर अपनी बढ़ानी है तो हम उसको एबज अप्रोच से नहीं चल सकते ठीक है वो आप फाइनल लेवल पे आओगे तो आपको इन डिटेल समझ में आएगा इंटर लेवल में आप जान लो बस मार्जिनल कॉस्टिंग ये एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट डेट इज़ प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इट इज़ चेंज मैंने अभी आपको जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना उसी को मार्जिनल कॉस्ट करते हैं जैसे हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्वांटिटी कम किया हमारी कॉस्ट कम हो गई ठीक है मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट को मैन्युफैक्चर करने से जो हमारी कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट बाय वन यूनिट पे लिखा हुआ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल देखो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करते हैं हम खर्चों को दो पार्ट में बांटते हैं एक तो हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया और एक हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया ओके okay? अब डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट चेंज इन कॉस्ट में क्या होगा अगर हम लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज करते हैं सपोज अगर पहले हम फाइव हंड्रेड यूनिट बनाते थे तो हमारी कॉस्ट क्या आ रही थी अब अगर हम वन थाउजेंड यूनिट बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या आ रही है इस दो यूनिट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से जो कॉस्ट में जो डिफरेंस है डेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है लास्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपके पास था उस अल्टरनेटिव के फॉर्कॉन करने का cost आपको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब इसका एक एग्जाम्पल आपको, आप आपको एक जॉब मिली जिसमें मिल रही थी ठीक अब आपको एक नेक्स्ट जॉब से ऑफर आया वो आपको आठ हजार देंगे आप करोगे नहीं करोगे वो आपको दस हजार देंगे तो आप सोच सकते हो कि हाँ चलो यहाँ भी मेरे को दस तो हजार हाँ, मिला था यहाँ भी मेरे को दस हजार मिला तो आप कर सकते हो अगर आपको बारह हजार देंगे तो क्या हो गया डेफिनेटली करोगे यानी आपका एक एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको कम से कम दस हजार से ऊपर मिलेगा तभी आप काम कर सकते हो या दस हजार मिलेगा तभी आप काम कर सकते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ टेन थाउजेंड या आपका लास्ट बेस्ट अल्टरनेटिव किया था टेन थाउजेंड अब इसको छोड़ के जाओगे तो भाई आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना तभी तो आप काम करोगे नहीं तो नहीं करोगे डेट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट यदि कॉस्ट अब देखो मैं कोई मशीन पाँच साल दस साल इसकी लाइफ होती है उसका जनरली वो मशीन खराब होना ही होना होता है अपने यूजफुल लाइफ के बाद तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम अपने पास फंड्स मेंटेन करते हैं कि उसको हम चेंज कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि वो जो मशीन को चेंज करने रिप्लेसमेंट करने का कॉस्ट जो आता है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है जो किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करने में एक तो वेरिएबल कॉस्ट लगता है प्लस एवॉर्डेबल फिक्स कॉस्ट होता है ये हमारे लिए रिलेवेंट कॉस्ट हो गया यानी अब जैसे हमारा रेंट है फैक्ट्री का आप प्रोडक्शन करो या ना करो वो रेंट तो जाएगा ही जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं अन एवॉर्डेबल जिसको हम एवॉयड नहीं कर सकते कितना भी आप चाह लो रेंट के खर्च को आप एवॉयड नहीं कर सकते हो हाँ अब सपोज मान लो अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हो तो आपने क्या कर दिया सुपरवाइजर हटा दिया तो सुपरवाइजर की सैलरी क्या होगी ऐसे तो फिक्स खर्चा है बट ये अवॉयडेबल है यानी आप इसको एवॉयड कर सकते हो अगर आप प्रोडक्शन ना करो तो ये खर्च नहीं होगी अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो ये खर्च होगी बिकॉज अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो अपने पास एक सुपरवाइजर रखते हैं सेफ्टी के लिए ठीक है इस तरीके की खर्च होती है इम्प्यूटेड कॉस्ट इंप्यूटेड कॉस्ट इज हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट मैंने आपको बताया था रेंट वाला एग्जाम्पल दिया था नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटफ्लो इसमें कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता है स्ट सन कॉस्ट इज ये पास्ट कॉस्ट एंड इट इज नॉट ए बेनिफिशियल मतलब इट इज इट विल नॉट टेक फॉर डिसीजन मेकिंग जैसे आपने मूवी टिकट आपने बाई कर लिया अब मूवी टिकट आपने बाई कर लिया अब आप, आप मूवी देखो घर पे या फिर अब मूवी देखो थिएटर में ये कॉस्ट तो गया ठीक है सेम अदर एग्जाम्पल अब आपको एक फोन खरीदना था आपने फोन खरीदना था ठीक है अब आप आपने फोन खरीद आप लिया ठीक है आपको फोन लेना था एंड आपने फोन खरीद लिया अब सपोज इस फोन की कॉस्ट क्या हो गई संग कॉस्ट क्यों क्योंकि पास्ट हो चुकी है आपने फोन ले लिया आपने फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पे कर दिए अब आप फ्यूचर में अगर कोई डिसीजन लेते हो तो इस कॉस्ट को आप क्या करोगे इग्नोर करोगे आप डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करोगे ये मार्जिनल अप्रोच है और जब आप फाइनल में आओगे रिलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में आपको इन डिटेल इसको पढ़ना है तो इसलिए अभी मैं इनको इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा बिकॉज इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर दो लेक्चर लग जाता है संग कॉस्ट के ऊपर मैं आपको इन शॉर्ट बस आपको जस्ट बता रहा हूँ कि संग कॉस्ट होता क्या नॉर्मल कॉस्ट एंड एब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है नॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी कॉस्ट को हम नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं और एब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को अब नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस क्या होता है आप सबने एक पेट्रोल का एग्जांपल तो कॉमन है ठीक है या पेट्रोल का नहीं किसी और भी लेते हैं सपोज आप रो मटेरियल मार्केट से खरीदते हो सौ के जी आपको पता है कि घर ले जाते ले जाते पाँच के जी का रो मटेरियल खराब होना ही है हर बार होता है अब सर तो जो पाँच के जी हो गया आपका क्या हो गया नॉर्मल लॉस हो गया अब इस पाँच के जी की कॉस्ट क्या होगी नॉर्मल कॉस्ट होगी बट अब आपको पता था कि यार पाँच के जी का ही लॉस होना था और एक्चुअल में हो गया दस के जी तो जो पाँच के जी जो एक्स्ट्रा हो गया ये आपके लिए अब नॉर्मल हो गया इसके कॉस्ट को बोलेंगे अब नॉर्मल कॉस्ट ठीक है एवॉर्डेबल कॉस्ट और अनएवर्डेबल कॉस्ट अभी मैंने आपको बताया था एवॉर्डेबल कॉस्ट जो सुपरवाइजर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और अनएवर्डेबल कॉस्ट जो रेंट है फैक्ट्री का जिसको आप कितना भी कोशिश कर लो आप एवॉर्ड नहीं कर सकते अनएवर्डेबल हो, हो गया यानी वो पैसे जेब से जाएंगे जाएंगे अगर हम फैक्ट्री बंद कर दे तो हम सुपरवाइजर नहीं रखेंगे एम्प्लॉइज को हटा देंगे तो ये सारी क्या होगी हमारी अनअवॉर्डेबल होगी ठीक है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ये सब इतने ज़्यादा ऐसे कुछ out of pocket cost. Out of pocket cost क्या होता है जैसे अब आपने कार खरीदा ठीक है तो इस समय यानी जो खर्चे पॉकेट से जाती है लेकिन हम उसको जब हम किसी प्रोडक्ट को बाई करें उस समय हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं. कार जब आपने बाई किया तो एक तो इस पर कार की कॉस्ट आई इसकी इंश्योरेंस हो सकती है कुछ आपने इंश्योरेंस करवाया होगा तो इसकी कॉस्ट गई बट अब कार खरीदने की वजह से आपको पार्किंग के पैसे देने पड़ रहे हैं क्योंकि आप कार कहीं लेके जा रहे हो आप पार्किंग में लगाओगे पार्किंग के पैसे ये तो आपने सोचा ही नहीं था ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो गया इसकी सर्विसिंग की कॉस्ट बढ़ गई आपके ऊपर कार की सर्विसिंग भी तो करवानी पड़ेगी ये आपके आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो गए ठीक है तो ये सारे खर्चे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कंट्रोल लेवल नॉन कंट्रोल ये सब ईजी आप समझ सकते हो हाँ अब बात करते हैं बैच कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग तो बैच कॉस्टिंग भी एक एक टेक्निक है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है बैच कॉस्टिंग ठीक है क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग कहाँ यूज होते हैं जैसे एफ एम सी जी गुड्स बनते हैं आपने देखा होगा कि बॉन बेटा इसके अलावा चॉकलेट्स जो भी बनते हैं वो एक बैच में बनते हैं उनके पीछे आप देखोगे एक बैच नंबर बना है तो हम इसमें क्या करते हैं पूरी बैच की कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है कि एक बैच बनाने में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी जिससे फिर हम पर पीस की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं बैच कॉस्टिंग में या फिर आपने मेडिसिन परचेज़ किया होगा तो मेडिसिन के पीछे भी बैच नंबर दिया होता है मोबाइल्स की प्रोडक्शन भी बैच में ही होती है एक बार में एक मोबाइल नहीं बनता पूरे बैच में एक बनता है वहाँ पे हम बैच कॉस्टिंग को यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज होते हैं जहाँ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन तीन चार प्रोसेस होके जैसे पहले प्रोसेस ए में गया फिर प्रोसेस बी में गया फिर यहाँ से आया तो फिर प्रोसेस थ्री में फिर फोर में फिर फाइव में तो इन इंडिया कैसे हम प्रोसेस कॉस्ट यूज करेंगे जैसे आप पेट्रोलियम कंपनी में हो सकता है कि पहले जो कच्चा तेल आता है उसको फिर रिफाइन करते हैं फिर से रिफाइन करते हैं फिर से रिफाइन करते हैं फिर से रिफाइन करते हैं देन उसमें से फिनिश को बाहर आता है वेरियस टाइप्स ऑफ तो वहाँ पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं या फिर बहुत सारी अलग इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो सकता है ओके ऑपरेशन कॉस्ट ऑपरेशन कॉस्ट किसी ऑपरेशन की कॉस्ट को हम बोल सकते हैं ऑपरेशन जैसे यहाँ पे क्या दिया है ऑपरेशन ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं इन्वॉल्व प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कॉस्ट यूनिट इज ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंग ऑपरेशन इज सुटेबल ये जैसे आप यहाँ यूज कर सकते हो कोई स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑपरेशन के लिए जैसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन uh, थिएटर होता है उसमें हर एक टाइम जो ऑपरेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का होता है और हर एक ऑपरेशन की कॉस्ट भी डिफरेंट होती है ठीक है क्योंकि हर एक के प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे तो ऑपरेशन भी अलग अलग होंगे तो वहाँ पे यूज किया जा सकता है इसको ऑपरेशन कॉस्ट को ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट जो सर्विस सेक्टर है सर्विस सेक्टर यूज करती है जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी हो गई दिल्ली मेट्रो आपकी हो गई डीटीसी की बस हो गई ठीक है इसके अलावा भी स्कूल्स हो गए हॉस्पिटल्स हो गए ये सारी इसको यूज करती है ऑपरेटिंग कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रोड जब रोड बनता है बिकॉज रोड एक साल में तो बनता नहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इसके बीट्स लगते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है बिल्डिंग्स बनने में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम होते हैं सब में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है ज्यादा ज्वाइंट कास्ट अब ज्वाइंट कॉस्ट क्या हुआ अब पहले कच्चा तेल आपने खरीदा था ठीक है कच्चा तेल को आपने प्रोसेसिंग किया तो इसमें से पेट्रोल निकला डीजल निकला इसके अलावा मोबिल्स भी आते हैं

फॉर ए प्रोडक्ट ए कंप्यूटेड इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन हम एक टेंटेटिव कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं भाई ये प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं अब जैसे आप घर से कहीं घूमने जा रहे हो तो आप टेंटेटिव कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हो तो अगर मैं यहाँ से कहीं घूमने जा रहा हूँ सपोज मनाली गया तो फिर मेरी कॉस्ट इतनी आएगी डेट इज कॉल्ड प्री डिटर्माइन कॉस्ट आपने कुछ बेसिस पे कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन दास्ट डाटा होता है कि अब हम पिछले अब सपोज आप निर्माण विहार से आप सीपी जा रहे हो पहली बार गए आपको तीस मिनट लगा दूसरी बार गए आपको चालीस मिनट लगा तीसरी बार पैंतीस मिनट लगा चौथी बार गया अड़तीस मिनट लगा तो आपने क्या किया सबको एक एवरेज कर दिया ये क्या किया आपके पास स्टैंडर्ड टाइम आ गई तो सेम कंपनी भी ऐसी करती है स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए अब एक यूनिट बनाने के लिए कभी एक के जी रो लगा होगा कभी 1.2 लगा होगा, कंपनी 1.3 लगा होगा कभी 0.9 नाइन भी लग सकता है तो कंपनी ने क्या किया एक एवरेज निकाल दिया कि भाई एक प्रोडक्ट बनाने में एवरेज इतना लगता है इतना लगना चाहिए उसकी कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई ओके okay. estimated cost of the product are prepared in advance prior to the performance ye bhi estimated tentative cost jaisa hi hai techniques of costing marginal standard budgeting uniform ye sari techniques of costing hai to तो techniques of costing in short mein batane se koi advantage nahi hai इसको जब हम इसके chapters, ये सारे chapters में पढ़ना है उस chapter के साथ हम techniques of costing को details में discuss करेंगे यहाँ पे आपका chapter वन खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर टू डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज़ की सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है तो पक्का सारी वीडियोज को आप देखना जिससे आपको हेल्प मिले एंड आप डेफिनेटली सिक्सटी सेवेंटी मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने कंप्लीट वीडियो सीरीज को अच्छे तरीके से देखा एंड आपको जो जो टिप्स मैं दे रहा हूँ सजेशन दे रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे थैंक्स बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक